SDVM believes that a better future lies where the children get to learn themselves. At SDVM, academics, subjects and extracurricular activities complement each other to develop socially skilled and healthier students. It's not just a group of buildings, it's an educational village. At SDVM, we encourage children to think independently and develop their own dreams. I am a huge fan of Virat Kohli and I want to be a cricket player. My dream is to be a police officer. We at SDVM do not believe that education is only about chalk and board. Education is the perfect balance between fun and discipline, between classroom and playground, between academics and co-curricular. Exciting, interactive, celebration of knowledge, pride of Panipat, the home away from home, a complete school. जब ठान ही ली ऊंची उड़ान की, तो क्या डरना देख दूरी आसमान की। एक नई सोच थी, एक नई राह थी, हर लड़की हो शिक्षित यही उनकी चाह थी। इसी सोच से बनाया आर्या गर्ल्स पब्लिक स्कूल, हकीकत में बदले अपने सपने, यही था उनका उसूल। नन्ही कलियों के कदमों से चहकता आंगन, कलियों से बने फूलों से महकता प्रांगण, वैदिक होती है हर भोर यहाँ, संस्कारों का रहता जोर यहाँ, अंगड़ाई लेता है यहाँ बचपन का शोर, स्वच्छ हवा और हरियाली चहुं ओर, खेल खेल में खिलाड़ी बनते यहाँ, हर मैदान फतह करते यहाँ, खेलों का यह संगम है और जीत का लहराता परचम है। आधुनिकता के इस दौर में कदम बढ़ाती प्रयोगशालाएं, अद्भुत है यहाँ की योगशालाएं, कर्मठता और सहयोग शिक्षकों की आन है, लड़कियों की उच्च शिक्षा प्रबंधकों की पहचान है। हरियाणा में CBSE से संबंधित लड़कियों का पहला स्कूल, यही इसकी शान है। ज्ञान विज्ञान और खेलों में भरता रोज नई उड़ान है। कोई विधायक काम करेगा, लोग सोचेंगे कि 100 दिन में क्या हो सकता है। आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 100 दिन में जो यहाँ के विधायक महिपाल ढांडा ने किया है, शायद ही कोई कर पाएगा, क्योंकि अब 5 रुपए की पर्ची में वो तमाम टेस्ट होंगे, जिन टेस्टों के लिए दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते थे लोग, और महंगे अस्पतालों में जाने को मजबूर। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा जी। जी, सबसे पहले स्वागत सर। जी जी जी, आपका स्वागत। क्या चीज सर आपने की है 100 दिन में, और जो वर्क किया है सर, क्या वर्क है बताएं सर। वैसे तो ये 100 दिन का वर्क नहीं, आप लोगों ने पूछा है कि भाई इस बार के 100 दिन में आपने क्या किया। मैं पिछले 3-3.5 साल से इस काम पे लगा हुआ था। मुझे बहुत पहले से पता लगा था कि माननीय मोदी जी की एक स्कीम है, और वो स्कीम ये है कि भाई उसमें पूरे नॉर्थ इंडिया में हम लोग एक डायग्नोस्टिक सेंटर देंगे, जिसमें तमाम प्रकार के इलाज वो एम्स की लैब के अकॉर्डिंग ही, उसकी बराबर ही हम लोग वो लोगों को करने के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। मैं इस काम के पीछे लगा, मैंने इसके सारे डॉक्यूमेंट्स और वो सब चीज़ें पंचायत से लेके मेडिकल कॉलेज से उसको यहाँ से अप्रूव कराना, करा के वहाँ तक लेके जाना, वहाँ भी उसके लिए पूरी लंबी मैंने एक मेहनत की है। उस मेहनत का रिजल्ट इस बार के 100 दिन में मुझे मिल गया। अब उसके लिए जो केंद्र सरकार से बजट अलर्ट होना था वो भी हमें हो गया है,
और अभी उसके जो लैंड है उस लैंड को देखने के लिए ही 6 तारीख को वहाँ के अधिकारी मेरे साथ इस मौके को मुआयना करने के लिए आएंगे। इसमें तमाम प्रकार के रोगों को जो टेस्ट करने के लिए होता है वो टेस्टिंग 5 रुपये में सिर्फ यहाँ पर होगी, और वो एक पानीपत ग्रामीण इलाके के लिए नहीं बल्कि आसपास के 500-600 गाँव के लोगों को उसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इतना बड़ा एक हेल्थ को लेके काम ये 100 दिन के अंदर कहिए या 3 साल के अंदर कहिए, हम लोग लगे हुए थे तो हम लोगों ने इस पर सिरे चढ़ा दिया, ये हमारा काम सिरे चढ़ गया। बहुत जल्दी हम लोग उसकी फिर एक बार उनके लैंड देखने के बाद उसका टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और फिर भवन निर्माण बना के जो भी उनका उसमें टाइम होगा वो होगा। जितना काफी चेहरे पे खुशी है, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट के बाद। लेकिन अभी सर जो बात है कि आपका सपना था सर इस तरह का? यस, ये मेरा सपना था कि मैं इस तरह की एक चीज यहाँ पर लेके आऊं जो आज तक किसी ने भी नहीं सोची भी ना हो, वो किसी ने सोची भी नहीं और हम उसको ले आए। आप कल्पना करिए कि दिल्ली के बाद अगर हम लोग हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश साथ लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, इतने बड़े इलाके में सिर्फ और सिर्फ पानीपत ग्रामीण हल्के के गाँव खोतपुरा में, वो क्योंकि आना भी गाँव में ही था और किसी न किसी CHC उसके पास होनी थी, तो इसे मेरी पहले से ही प्लानिंग थी कि कोई CHC बने। अब वो PHC से CHC बनी, CHC बनते ही हमने हमारे लिए सबसे उपयुक्त जगह यही थी और हमने इसी को चूज किया। चूज करके हमने यहाँ भी लैंड भी हम लोगों को आसानी से अवेलेबल हो गई तो उसी पर हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। शिक्षा को तो आपने चिकित्सा को तो काबू कर लिया है, अब शिक्षा के बारे में क्या कहना है क्योंकि 5 करोड़ रुपये आप लोगों ने अभी विड्रॉल कराए हैं, तो क्या रहेगा सर उसका? अभी चिकित्सा से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, अभी तो इसमें और बहुत सारे काम करने हैं और उन बहुत सारे कामों को करने के लिए मैंने एक मैप तैयार किया हुआ है। मैं अपने मैपिंग के हिसाब से मैं अदर एक्सपर्ट से भी बात करता रहता हूँ, डॉक्टर्स से भी बात करता रहता हूँ, ऐसे लोग हैं जो हेल्थ की दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ऐसे तमाम लोगों के साथ बातचीत करता हूँ और उस बातचीत का नतीजा ये है कि हमें बेटर से बेटर करने का अवसर मिलता रहता है। उसी अवसर को मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा और बहुत अच्छा और भी हम लोग हेल्थ में कैसे कर सकते हैं उस पर मेरा एक डॉक्यूमेंट्स मेरे अभी कंप्लीट नहीं है, पहले मैं उसको ज़ोरदार तरीके से स्टडी कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोगों को परमानेंट एक ऐसी चीज़ उपलब्ध कराएंगे जिससे लोगों को स्वास्थ्य में काफ़ी लाभ मिलेगा। आपने अवैध कॉलोनियों को वैध कराया, लोग काफ़ी खुश हुए, लेकिन अब उसी की आड़ में लोग और कॉलोनियाँ काट रहे हैं, सर इसके बारे में क्या रहे हैं? ये तो मैंने बोला ही है ऑलरेडी, अभी हमारा प्री बजट था, उस प्री बजट के ऊपर जब चर्चा हो रही थी तो उस चर्चा में भी हमने तो लोगों वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है कि जो हमारी कॉलोनियाँ कटी हुई थी उनको आपने अप्रूव कर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से इसलिए भी अभिनंदन करूँगा कि मैंने तो जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा वो 100% किया है। शायद कोई विधायक ये बात बोलेगा कि किसी विधायक ने काम बोला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 100% किया हो, मेरा 100% से भी आगे बढ़ के मुख्यमंत्री जी ने काम किया है और वो करते भी हैं। अभी जो आपने क्वेश्चन किया है तो उसके लिए मैंने ये भी कहा कि टाउन एंड कंट्री प्लान के लोगों को ये सख्त निर्देश दिए जाएं कि जो भी कोई आगे कॉलोनी काट रहा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन हो और ऐसा एक्शन हो कि उसके नॉन अवेलेबल उसके वारंट जारी हो और उसको अंदर ठोका जाए। अगर उसने कोई नई कॉलोनी काटनी है तो सरकार ने इतनी अच्छी पॉलिसी बनाई हुई है कि भाई वो उस पॉलिसी को अडॉप्ट करे और अडॉप्ट करके लोगों को कॉलोनी काट के दे, नहीं तो प्रॉब्लम तो हमारे सामने है। ये लोग तो काटते हैं, पैसा कमाते हैं, लेके खिसक जाते हैं, गरीब आदमी वहाँ फंसता है, DTP आता है उसको कॉलोनी को गिराने की बात करता है, फिर वो लोग घर बना लेते, घर बनाते 10 दिन बाद हमारे पास आ जाते, कहते कि जी अब इसमें सीवर डालो, अब इसमें पानी डालो, अब ये करो, और वो उधर से बेईमानी करके ठगी करके डीलर भाग जाता है। मैं सब डीलरों को गाली नहीं दे रहा हूँ मगर ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए बता रहा हूँ कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लीजिए। और मैंने डंके की चोट पे कहा 90 के 90 विधायकों में, कर सब विधायकों ने इस बात को अप्रिशिएट भी किया कि हाँ ये होना चाहिए और सबकी समस्या थी कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बोर्ड इतना सख्त हो कि भाई जो नई
अवैध कॉलोनियां कट रही है उस पर रोक लगे। शिक्षा के बारे में बता दीजिए सर जल्दी। यस, शिक्षा के बारे में तो हमने अभी प्री बजट में भी उस पर भी चर्चा हुई थी कि भाई हमें शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमारे पास वेल एजुकेटेड स्टाफ है, हमारे पास पढ़ाने वाले लोग है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा है, हमारे पास कोई कमी नहीं है, फिर भी लोगों का जो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जो रुझान है उस रुझान को कम करके कैसे हम एजुकेशन को और अच्छा बनाए, उसके लिए दो सुझाव हमारे पास आए थे कि एक तो ये कि बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स को हम लोग एनवायरमेंट यानी कि वहाँ का वातावरण हम लोग इस प्रकार का तैयार करें कि लोगों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और दूसरा ये कि भाई वहाँ पर हरियाणा जो बोर्ड है वो बोर्ड को खाली हम लोग हरियाणा बोर्ड से नहीं बल्कि उसको इंग्लिश मीडियम से भी हम लोग उसको पढ़ाने की हमने सब ने सिफारिश की है और माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इस काम को पूरा करेंगे। मगर उसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट यहाँ पर एजुकेशन को लेके स्कूलों में बनना चाहिए उसको लेके मैंने भी एक प्लान बनाया है। मैं उस प्लान पर बहुत जल्दी एक बार ही मैंने कहा ना बहुत सारे एक्सपर्ट बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं हम सब लोग मिलके इस काम को भी आगे बढ़ाएंगे। तो ये थे महीपाल डांडा ग्रामीण क्षेत्र के विधायक और इनका जो सोच है युवा सोच है और आपने देख लिया है जोश और उत्साह से भरे रहते हैं, लोगों से मिलते हैं और जिस प्रकार से 5 रुपए में अब प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के और जो जो लोग उसका लाभ लेंगे एक सपना जो उन्होंने पूरा किया है ये काफी मतलब कि लोगों को खुश करने वाली बात है। और दूसरी शिक्षा के प्रति भी इनका रुझान चल रहा है और शिक्षा और चिकित्सा दोनों में ही इनका रुझान परिपक्व चल रहा है और जहाँ तक उम्मीद है लोग आज इनको इनके निवास स्थान पर इनका मुंह मीठा करवाने आए हैं, जो जो इनके सपने हैं वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं और ये सपना इनका नहीं है आम लोगों का सपना है। पानीपत आजकल के लिए मैं प्रदीप कुमार हूँ।